friends, I am back with next awesome lecture in this PEP series of Madhya Pradesh Geography. Before starting with this lecture, I hope आप लोगों ने इसका पहला लेक्चर देख लिया होगा और जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वो पहला लेक्चर देख लें। इस लेक्चर में हम लोग MBPSC के सिलेबस में से ये पोर्शन अभी कवर कर रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहां ये आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, दिस इज अबाउट मी, ओके। और जो ज्योग्राफी में हम लोग 8 लेक्चर्स कवर करने वाले हैं, दिस इज द सेकेंड लेक्चर इन दिस सीरीज। दिस लेक्चर इज अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश, और इसमें हम लोग MP में जितने भी फिजिकल डिवीजन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, प्लस जो प्रिलिम्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो MP से रिलेटेड है उनको बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, MP को हम लोग हृदय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज इट इज लाइंग इन द मिडल ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हृदय प्रदेश। MP के 5 नेबरिंग स्टेट हैं, जैसा कि हमने पुराने लेक्चर में देखा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर गुजरात आता है, देन महाराष्ट्र एंड देन छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट अगर MP किसी स्टेट से शेयर करता है तो दैट इज उत्तर प्रदेश, और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट अगर किसी के साथ शेयर करता है तो दैट इज गुजरात। ओके, अगर एरिया की बात की जाए तो ये 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। MP की बहुत वेरिड टोपोग्राफी है एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक है, और ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट एरिया, इसका जो विड्थ है वो ज्यादा है देन इट्स लेंथ। ओके, आगे चलते हैं। तो MP में फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा मेजर पार्ट है, और इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लैंड, एंड इट इज अबाउट द एग्रीकल्चर, दैट एग्रीकल्चर इज अबाउट द हाफ ऑफ द लैंड ऑफ मध्य प्रदेश। जो इकोनॉमी है मध्य प्रदेश की वो चीफली एग्रेरियन है, और MP लाई करता है इंडियन प्लेट्यू के प्लेट्यू पर लाई करता है, जो इंडियन प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू, उसके वाइड एरिया पे MP लाई करता है। बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है प्लस फर्टाइल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि MP एक कंप्लीटली लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है? इट हैज नो कोस्ट लाइन, मतलब कोई सी या ओशियन को टच नहीं करता मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड इट लाइज इन अ नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ दैट प्लेट्यू। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है उसके नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में MP पड़ता है। MP की अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देखें तो नॉर्थ में है प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, वेस्ट में है अरावली माउंटेन्स, ईस्ट में है छत्तीसगढ़ प्लेन, ईस्ट में है छत्तीसगढ़ प्लेन, और साउथ में है ताप्ती रिवर एंड प्लेटियो महाराष्ट्र। इफ यू सी दिस, ये मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट्स बना रहा हूं। तो अपर पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं वेस्ट, ये हो जाता है साउथ पोर्शन, और ये हो जाता है ईस्ट पोर्शन। ठीक है, तो नॉर्थ पोर्शन में होते हैं प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना, वेस्ट में है अरावली, साउथ में है आपका ताप्ती रिवर और प्लेटियो ऑफ महाराष्ट्र, ईस्ट में है छत्तीसगढ़ प्लेन। जो स्टेट है मध्य प्रदेश स्टेट है, इसको ट्रेवर्स करते हैं सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, माइकल रेंज, और ये जो रन करते हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लाई करते हैं। मतलब सबसे पहले आपका सतपुरा आएगा, फिर विंध्या आएगा, और फिर माइकल आएगा। अगर ऐसे हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट MP का है धूपगढ़, और ये सतपुरा रेंज में लाई करता है। आपको इसकी हाइट भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, दैट इज 1350 मीटर्स अब अपनी सी लेवल 1350 मीटर, और ये पंचमढ़ी होशंगाबाद डिवीजन में पड़ता है, नर्मदापुरम जिसका नाम है उस डिवीजन में ये पड़ता है। एवरेज एलिवेशन अगर स्टेट की देखी जाए तो वो 600 से 300 मीटर है, 600 से 300 मीटर इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ स्टेट। लो लाइंग एरियाज जो है वो कहां पड़ते हैं? नैरो नर्मदा वैली में, जो कि सेंट्रल सदर्न पार्ट है, सेंट्रल सदर्न पार्ट है स्टेट का। चलिए तो आगे चलते हैं। फिजिकल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो जो टोपोग्राफी या फिजिकल फीचर है उसको 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा होता है सतपुरा माइकल रेंज, और तीसरा होता है ईस्टर्न और बाघेलखंड प्लेट्यू। जैसे कि आप देख रहे हो ईस्टर्न रीजन, यानी ये ईस्ट में पड़ रहा है इसलिए ये ईस्टर्न रीजन या बाघेलखंड प्लेट्यू बोलते हैं आपका। और ये हो गया आपका सतपुरा माइकल रीजन, और ये जो बचे हुए 5 रीजन आप देख रहे हैं ना, ये सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट होते हैं। सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, नर्मदा वैली प्लेट्यू और हाईलैंड वाला एरिया। ठीक है,
ये आप यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड्स को पांच पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, जो कि ये सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन है मध्य प्रदेश का। सेकंड है बुंदेलखंड, तो यानी उसके साउथ में पड़ता है आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू। तीसरा है रीवा पन्ना प्लेट्यू, तो ये जो विंध्य रेवाइन रीजन आप देख रहे हैं ना, इसी को रीवा पन्ना प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। अगला पोर्शन है आपका मालवा प्लेट्यू, तो ये हो गया आपका मालवा प्लेट्यू जो वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, और फिर है नर्मदा सोन वैली, ये थ्रू आउट दी स्टेट में है और ये एक तरीके से स्टेट को दो भाग में डिवाइड कर देती है नर्मदा सोन वैली। आगे चलते हैं, तो सबसे पहले जो सेंट्रल हाईलैंड का सबसे पहला पार्ट था, जिसको हमने प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया के नाम से क्लासिफाई किया था, ये पड़ता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू में। इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, ये नॉर्थ में है और ईस्ट रीजन में है, तो इसीलिए इसको ऐसे बोला जाता है, इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू। ये कवर करता है नदन पार्ट को एंड लोअर बेसिन ऑफ चंबल रिवर। चंबल रिवर यहीं से, मतलब वैसे तो इंदौर में कहीं से ये ओरिजिनेट होती है, इंदौर डिवीजन से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ये लोअर बेसिन ऑफ चंबल रिवर में भी लाई करता है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, तो आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में जब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाला मैंने आपको मैप दिखाया था, उसमें आपने देखा था ये ऊपर वाले रीजन में भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना और मंदसौर, ये डिस्ट्रिक्ट्स लाई करती हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, तो विंध्यन रॉक ग्रुप्स विद द डेक्कन ट्रैप इन द साउथ, ठीक है, बुंदी एंड कुराली हिल्स इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, यानी यहाँ पे जो वेस्टर्न बाउंड्रीज हैं वो कौन सी हिल्स हैं, बुंदी एंड करौली हिल्स, बुद्धि एंड करौली हिल्स, इसकी मिक्स्ड टॉपोग्राफी है, मतलब ना आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इट इज प्लेन, ना ही आप इसको ये कह सकते हो कि इट इज हाईलैंड्स। डीप रेवाइंस ऑफ चंबल है, डीप रेवाइंस ऑफ चंबल क्या है, जो चंबल वाला रीजन है उसमें सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और जब ये सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है तो जो चंबल के द्वारा होती है उसको डीप रेवाइंस ऑफ चंबल्स बोला जाता है। मैक्सिमम एलिवेशन है 500 मीटर, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का जो मैक्सिमम एलिवेशन है दैट इज 500 मीटर अबव द मीन सी लेवल। प्लेन जो इसके सिचुएटेड है टू दी नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इट, मतलब जो इसका नॉर्दर्न एरिया हो गया और नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया उसमें प्लेन्स लाए करते हैं। वेरिंग हाइट होती है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू की 150 टू 300 मीटर्स, ये इनके ये जो प्लेन्स है उनकी जो वेरिएबल हाइट है दैट इज 150 टू 300 मीटर्स। मेजर रिवर अगर यहाँ पे पूछा जाए कौन सी ओरिजिनेट होती है, तो एक चंबल रिवर है, दूसरी काली सिंध है और तीसरी पार्वती, जो या तो आप ये कह सकते हो ट्रेवर्स करती है सेंट्रल हाईलैंड वाली सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू को। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो कॉन्टिनेंटल टाइप है, तो वट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज इन सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, दैट इज कॉन्टिनेंटल टाइप। कौन सी क्रॉप्स ग्रोन की जाती है, दैट इज वीट, वार्ले एंड ज्वार, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी थोड़ी बहुत यहाँ पे थ्राइव की गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो दैट इज बुंदेलखंड प्लेट्यू, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, और बुंदेलखंड प्लेट्यू जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू लाइज हियर, इट इज जस्ट इन द साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ द सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज बाउंड ऑन नॉर्थ ईस्ट बाई द रीवा पन्ना प्लेट्यू, तो रीवा पन्ना प्लेट्यू किस इसको बाउंड करता है नॉर्थ ईस्ट साइड से, ये वाला एरिया प्लस ये वाला पूरा बुंदेलखंड में ही आता है, और ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट साइड से रीवा पन्ना प्लेट्यू से बाउंडेड है। इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गई, टीकमगढ़ हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, और कुछ पार्ट गुना डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाता है किस टाइप के रॉक्स पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ आर्कियन एज, ग्रेनाइट रॉक्स ऑफ आर्कियन एज। प्लेट्यू जो है वो फ्लैट है विथ मार्जिनल स्लोप, ठीक है, तो ये प्लेट्यू फ्लैट है और मोर और लेस स्मूथ ही है, सॉइल इरोजन यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल, अगेन जो हम लोगों ने सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू के केस में देखा था इट वॉज कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, सेम हेयर मिक्स सॉइल पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी एमपी में पांच काइंड ऑफ सॉइल्स पाई जाती है, तो ये यहाँ पे मिक्स सॉइल पाई जाती है, ठीक है। क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रोन होती है, एक होती है ज्वार, दूसरी वीट, तीसरी लेंटिल, ठीक है। प्लीज इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं प्री में बहुत फ्रिक्वेंटली, तो प्लीज आप ये लोकेशंस को याद रखना। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन है। एवरेज हाइट जो इस प्लेट्यू की है वो है 150 टू 450 मीटर्स। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है विच इज दी हाइएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू, तो वो है सिद्धा बाबा, सिद्धा बाबा इज दी हाइएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाता है विच इज दी हाइएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट, तो आपको याद रखना है दैट इज धूपगढ़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स में हम बात कर रहे थे, तो सेंट्रल हाईलैंड्स का ये तीसरा जो पार्ट है दैट इज रीवा पन्ना प्लेट्यू, जिसको हम लोग विंध्यन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। एज यू कैन सी दी लोकेशन, ठीक है, ये है लोकेशन, ये कहां लाई करता है, नॉर्थ ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू, एज यू कैन सी इन दी मैप।
नाउ मैक्सिमम हाइट इज 750 meters, ओके, मैक्सिमम हाइट यानी बहुत ज्यादा जो यहाँ पे जो हाईएस्ट पी हाइट है दैट इज 750 meters, और एवरेज एलिवेशन कितना है 300 से 450 meters। ये इसको ड्रेन कौन करते हैं, केन करता है, सोनार करता है और टोन्स रिवर करती है। इट इज ड्रेन्ड बाय केन, सोनार एंड टोन्स रिवर। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी लाई करती है, तो एक है सतना, रीवा, दमोह एंड पन्ना। दिस इज पन्ना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लाई करती है रीवा पन्ना प्लेट्यू में, दैट इज सतना, रीवा, दमोह एंड पन्ना। लाइमस्टोन और डायमंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि आपको पता है पन्ना इज नोन फॉर द डायमंड प्रोडक्शन, राइट। क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो वीट है, ज्वार है, ऑयल सीड्स है, तो दीज आर दी क्रॉप्स। लैटेराइट सोयल, यहाँ पे कौन सी सोयल पाई जाती है, लैटेराइट सोयल। आपको हमेशा, वैसे एक मैं जनरल आपको एक फैक्ट बताऊं तो लैटेराइट सोयल हमेशा हाईलैंड एरियाज में पाई जाती है। एज यू कैन सी यहाँ पे जो एवरेज एलिवेशन है दैट इज 300 to 450 meters, तो यहाँ पे लैटेराइट सोयल पाई जाती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मोस्ट ऑफ द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम कैमूर रेंज। ये कैमूर रेंज है, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, कैमूर रेंज में से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। नाउ चचई जो फॉल्स है दैट इज द हाईएस्ट फॉल स्टेट का। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज द हाईएस्ट फॉल इन मध्य प्रदेश, तो आपको याद रखना है चचई फॉल्स, और ये किस रिवर पे है, रिवर बेहड़ रिवर पे है। बेहड़ रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर टोन्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो फोर्थ जो पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड का दैट इज मालवा प्लेट्यू। ओके, मालवा प्लेट्यू की आप लोकेशन देख सकते हैं, सो दिस इज मालवा प्लेट्यू द लार्जेस्ट पोर्शन। तो मालवा प्लेट्यू कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर वेस्टर्न रीजन। प्लेट्यू इज फॉर्म्ड बाय द रॉक्स ऑफ डेकन ट्रैप। तो कौन से रॉक्स पाए जाते हैं, रॉक्स ऑफ डेकन ट्रैप, ठीक है। स्टेट जो ये कहां से स्टार्ट होता है, नर्मदा स्टार्ट नॉर्थ ऑफ द नर्मदा एंड कवर्स गुना। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, गुना को कवर करता है, राजगढ़ को, मंदसौर, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास, उज्जैन, साजापुर, रायसेन एंड पार्ट ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। देखिए आप इसको मतलब आप इससे परेशान मत होइए कि इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, बस एक एक बार आप इनको रीड कर लेना सो दैट अगर एग्जाम में आता है तो आपको एक रफ आइडिया लग जाए, ठीक है। अदरवाइज इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है। एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 350 से 450 meters है, और कहीं कहीं पे तो एलिवेशन 800 meters तक चला जाता है, ठीक है। रीजन इज ड्रेन्ड बाय दी, कौन कौन सी रिवर है यहाँ पे, चंबल रिवर है, माही रिवर है, शिप्रा एंड पार्वती रिवर। तो चार रिवर आपको मेनली याद रखनी है, चंबल, माही, शिप्रा एंड पार्वती रिवर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बेसिकली जो ये है ये सेंट्रल वेस्टर्न रीजन है एमपी का। कौन सा, सेंट्रल वेस्टर्न रीजन है। अच्छा आगे चलते हैं, क्लाइमेट किस टाइप का है, मॉनसून टाइप का। तो इट इज डिफरेंट देन दी अदर थ्री वी डिस्कस्ड, की रीवा पन्ना प्लेट्यू इट वॉज कॉन्टिनेंटल टाइप, बिफोर देन दैट वी डिस्कस्ड बुंदेलखंड प्लेट्यू, अगेन इट वॉज कॉन्टिनेंटल टाइप, एंड दी प्रीवियस वन सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू इट वॉज ऑल्सो हैविंग दी कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, बट हियर इन दिस केस इट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मेजरली यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और क्रॉप्स कौन कौन सी है, कॉटन है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सुगर केन है। तो ये यहाँ पे क्रॉप्स पाई जाती हैं, और जो कि वीट कल्टीवेशन के लिए फेमस है, क्योंकि आपको ये याद रखना है ब्लैक सॉइल में मेनली कॉटन और सुगर केन तो हमेशा आएगा ही आएगा, प्लस उसके साथ साथ ग्राउंडनट और सोयाबीन भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने मैप इंक्लूड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज मालवा प्लेट्यू, और यहाँ पे आप ये डिस्ट्रिक्ट का थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन है ना, शाहजहापुर, इंदौर वगैरह आ गया, झाबुआ आ गया, धार आ गया, ठीक है, राजगढ़ आ गया, अगर मालवा आ गया, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट इस वाले मालवा प्लेट्यू वाले रीजन में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तो पांचवा पार्ट जो है सेंट्रल हाईलैंड का दैट इज नर्मदा सोन वैली। इट इज एक्चुअली व्हाई दिस रीजन इज नोन एज नर्मदा सोन वैली, बिकॉज दिस इज ड्रेन्ड बाय द नर्मदा रिवर एंड सोन रिवर। ये नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट तक रन करता है, मतलब अगर आप इसमें देखेंगे ना तो देखिए नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, टू दी वेस्ट में ये रन कर रहा है, तो इसीलिए इसको ऐसा लिखा जाता है कि इट इज एक्सटेंड फ्रॉम दी नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट, और इसकी एवरेज एलिवेशन कितनी है 300 meters है। अगर इसको हम देखें ये किस किस से बाउंडेड होता है, तो बिंध्यान रेंज से, कैमूर रेंज से और भांडर हिल से, ठीक है। नॉर्थ में सतपुरा माइकल रेंज होती है इसके, और साउथ में बागेल, सॉरी नॉर्थ में इसके जो है वो है सतपुरा माइकल, सतपुरा एंड माइकल, ईस्ट में जो है बागेलखंड प्लेट्यू है। ये एक्चुअली क्या है, नैरो है, इन द मिडिल ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नर्मदा सोन रिवर, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द नर्मदा सोन वैली। मतलब नर्मदा सोन वैली कौन सा वाला एरिया होता है, नर्मदा सोन वैली होता है आपका जो ईस्ट और वेस्ट पार्ट है नर्मदा सोन रिवर का। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है इसमें, तो एक आता है मंडला, जबलपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, हरदा, धार एंड देवास,
ठीक है, क्लाइमेट है टिपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, रेनफॉल होती है 55 से 140 सेंटीमीटर, एवरेज एलिवेशन इज 300 मीटर्स, और ये रीजन जो है यहाँ पे डेक्कन ट्रैप, विंध्यान के रॉक्स और कुडप्पा रॉक ग्रुप्स पाए जाते हैं, कुडप्पा, विंध्यान एंड डेक्कन ट्रैप। चलिए आगे चलते हैं, सतपुरा माइकल रेंज पे आते हैं। तो सतपुरा माइकल रेंज, जैसे कि हमने देखा था जो ज्योग्राफिक फिजियोग्राफिक डिवीजन जो था उसमें जो सेकंड पार्ट था दैट वाज सतपुरा माइकल रेंज। सतपुरा माइकल रेंज अगर हम मैप में लोकेशन देखें तो ये पूरा सदर्न पार्ट जो है ना स्टेट का उसमें ये लाई करता है, सतपुरा वाला रीजन। ठीक है, तो ये साउथ में है नर्मदा वैली के, ठीक है, और एवरेज एलिवेशन इसका कितना है 300 मीटर है, एवरेज एलिवेशन है 300 मीटर, जो हाईएस्ट पॉइंट है स्टेट का जो कि धूपगढ़ है वो कहां पे लाई करता है, इसी वाले रीजन में लाई करता है, धूपगढ़। ठीक है, प्लीज ये फैक्ट याद रखना बिकॉज ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ये किस प्लेस पे पाया जाता है, धूपगढ़ वाली हाईएस्ट पीक ये पाई जाती है पंचमढ़ी में जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। स्लोप यहाँ पे देखे जाए तो जो सतपुरा माइकल रेंज के अगर स्लोप की बारे में बात करें तो इट इज शार्प ऑन दी साउथ वाइल जेंटल ऑन दी नॉर्थ साइड। तो साउथ वाला पोर्शन इसका कौन सा हो गया, साउथ वाला पोर्शन हो गया ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे जो इसका स्लोप है दैट इज वेरी साउथ, वेर एज इट इज जेंटल ऑन दी नॉर्थ साइड। यहाँ पे फॉरेस्ट जो है ये इस वाले रीजन में फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन फॉरेस्ट रिसोर्स एंड माइनिंग पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर इज प्रेवेलेंट। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है, बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है, खंडवा एंड खरगोन। यहाँ पे रॉक्स किस टाइप के पाए जाते हैं तो डेकन ट्रैप और धारवाड़ रॉक ग्रुप्स पाए जाते हैं। ताप्ती यहाँ की चीफ रिवर है और यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। अगला जो प्लेट्यू आता है हमारे क्लासिफिकेशन के हिसाब से दैट इज बाघेलखंड प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू, बाघेलखंड, एज यू कैन सी इन दी मैप ये लाई करता है एकदम ईस्टर्न पोर्शन में। सो दिस इज बाघेलखंड रीजन, ये ईस्टर्न रीजन है मध्य प्रदेश का एंड साउथ ऑफ दी सोन रिवर एंड सोन वैली। सोन रिवर और सोन वैली के साउथ में पड़ता है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है, रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली एंड अनूपपुर। क्लाइमेट की बात की जाए तो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है यहाँ पे, मॉनसून टाइप का। पहले जो हमने थ्री किए थे वो कॉन्टिनेंटल थे लेकिन अब जो लेटर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सारे मॉनसून टाइप के क्लाइमेट्स हैं। सोइल टाइप यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सोइल टाइप नहीं मिलती है, वेरिएबल सोइल्स मिलती है और जो कंपोज ऑफ रॉक ग्रुप्स ऑफ गोंडवाना एंड विंध्यान रेंज के। यहाँ पे हाई रेनफॉल होती है और उसकी रेंज है 125 से 175 सेंटीमीटर, 125 से 175 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो अलग अलग प्लेट्यूज होते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो इसके लिए मैंने मैप के को इंक्लूड किया है सो दैट इनको याद करना आसान रहे। जैसे कि ये एक हो गया कंजरदा प्लेट्यू, फिर हो गया कुंटल प्लेट्यू, सोनधरा प्लेट्यू, विदिशा प्लेट्यू की लोकेशन आप देख रहे हो तो ये सारे मालवा प्लेट्यू के आसपास ही है। यहाँ पे आपकी ये कैमूर हिल्स है, कैमूर हिल्स के ऊपर भांडेर प्लेट्यू है, उसके ऊपर रीवा प्लेट्यू है, ठीक है ना, और ये विंध्यान रेंज वाला एरिया है। यहाँ पे बिजावर हिल्स है, बिजावर हिल्स, ठीक है, यहाँ पे कुन्नू वैली, यहाँ पे मुरैना प्लेट्यू, ठीक है, और ये लश्कर प्लेन्स है, लश्कर प्लेन्स ये ग्वालियर के पास वाला रीजन है। मुरैना वाला प्लेट्यू मुरैना डिस्ट्रिक्ट के आसपास का रीजन हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे ये नर्मदा वैली हो गई आपकी, ये हो गया आपका मथवार हिल्स, ये बरवानी हिल्स, आसिरगढ़ हिल्स, ठीक है, ये कन्हान वैली, यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, ये महादेव हिल्स हो गए आपके, ये कालीभीत हिल्स हो गए, बैतूल प्लेट्यू हो गया ये आपका। ठीक है, तो प्लीज इस मैप को आप 3-4 बार देख लेना सो दैट आपको इससे ज्योग्राफी की कोई भी रिलेटेड आपको किसी भी चीज की लोकेशन बताई जाती है तो आपको अच्छे से याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, तो मैंने सारे फिजिकल डिविजन को समराइज कर दिया एक टेबल फॉर्मेट में सो दैट याद करना आसान रहे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं ये मैंने सारे जितने भी क्लासिफिकेशन थे वो इंक्लूड कर दिए, पर आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मालवा प्लेट्यू का सबसे ज्यादा एरिया है, दैट एरिया इज 28%, ठीक है, 28% है। और रेनफॉल भी आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कौन कौन से टाइप के रॉक पाए जाते हैं, जैसे सेंट्रल इंडिया में हमने देखा था सेंट्रल इंडिया में विंध्यान रॉक ग्रुप पाए जाते हैं, बुंदेलखंड में आपके ग्रेनाइट रॉक्स पाए जाते हैं, रीवा पन्ना प्लेट्यू में कड़प्पा वाले रॉक्स पाए जाते हैं, मालवा प्लेट्यू में बसाल्टिक ब्लैक सॉयल पाई जाती है और बसाल्टिक रॉक पाया जाता है एक तरीके से, फिर नर्मदा सोन वैली में डेक्कन ट्रैप और धारवाड़ कडप्पा विंध्या रॉक ग्रुप पाया जाता है, सतपुरा माइकल रेंज में डेक्कन ट्रैप पाए जाते हैं। ठीक है, तो और सबसे कम रीजन अगर किसी किसी प्लेट्यू का है तो दैट इज बाघेलखंड प्लेट्यू, जैसा कि आप देख रहे हो 7% सिर्फ एरिया इसके अंडर में आता है, वेयर एज सबसे ज्यादा आता है मालवा प्लेट्यू के अंडर में, और अगर थर्ड नंबर और अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो नर्मदा सोन वैली के अंडर में सबसे ज्यादा एरिया आता है। थर्ड नंबर पे अगर हम लोग देखते हैं तो थर्ड नंबर पे इट इज
सतपुरा माइकल रेंज 11%, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 आपको याद होने चाहिए, सबसे ज्यादा मालवा प्लेट्यू, फिर है नर्मदा सोन वैली और फिर है सतपुरा माइकल रेंज, ठीक है। और भी कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता मुझे इसमें से, चलिए। और ये प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे समराइज कर दिए हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश जो है 5 स्टेट से सराउंडेड है, लैंडलॉक्ड है, जियोलॉजिकली इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। गोंडवाना लैंड जो रेंज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लोअर गोंडवाना, मिडिल गोंडवाना एंड अपर गोंडवाना। मध्य प्रदेश जो लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है वो है राजस्थान। देखो लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, वो है राजस्थान, लेकिन लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट के साथ शेयर करता है, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितनी डिस्ट्रिक्ट, 12 डिस्ट्रिक्ट, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे बॉर्डर लाइन की बात की जा रही है, तो दैट इज राजस्थान। डेक्कन ट्रैप जो है वो वेस्टर्न पोर्शन में लाई करता है, विंध्यान रेंज ईस्टर्न पोर्शन में लाई करती है। ज्योग्राफिकली अगर इसका एरिया देखा जाए तो टोटल कंट्री के रिस्पेक्ट में इट इज 9.38%, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि मध्य प्रदेश का एरिया और डिवाइडेड बाय इंडिया का एरिया का जब आप परसेंटेज लेते हैं तो दैट इज वर्कड आउट टू बी 9.38%, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ टू यू। अनडिवाइडेड एमपी में 9 फिजिकल डिवीजन थे और 9 फिजिकल डिवीजन थे, लेकिन जो अब प्रेजेंट मध्य प्रदेश है, अनडिवाइडेड एमपी का मतलब जो एमपी 2000 से पहले वाला एमपी था, मतलब जब एमपी प्लस छत्तीसगढ़ था तब 9 फिजिकल डिवीजन थे, अब 7 फिजिकल डिवीजन है। 7 नेचुरल फिजिकल डिवीजन कौन कौन से हैं वो मैं आपको लेक्चर में ही बता चुका हूं। अब ये इसमें एक एक करके मैंने हर प्लेट्यू की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड किया है, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू का कितना एरिया है, दैट इज 10.6%, ठीक है। सबसे लेस रेनफॉल होती है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू रीजन में, और जो भिंड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे लीस्ट रेनफॉल होती है, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि Which district the least rainfall occurs or happens? तो that is Bhind district, ठीक है? चंबल में कौन सी soil पाई जाती है? Alluvial soil पाई जाती है। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल टाइप के फॉरेस्ट हैं, और कौन कौन सी ट्री होती हैं उसमें, बबूल होता है, खेर होता है, सीसम होता है, ठीक है। फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन सा है, ग्वालियर है इस रीजन का, और यहाँ पे कौन सी ट्राइब पाई जाती है, सहरिया ट्राइब। तो ऐसा पूछा जा सकता है सहरिया ट्राइब इज फाउंड इन विच रीजन, तो आपको याद रखना है सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू में। और मस्टर्ड को सबसे ज्यादा उगाया जाता है, मस्टर्ड के बाद हो गया आपका वीट हो गया, ठीक है, मस्टर्ड के बाद इज वीट। अच्छा, फिर बुंदेलखंड में हमने क्या देखा था, ग्रेनाइट और मिसिस के रॉक्स पाए जाते हैं, ईस्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में लाई करता है। दीज आर दी डिस्ट्रिक्ट, आप याद कर लेना, कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है, एवरेज रेनफॉल होती है 75 to 100 centimeters, और टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, 7.71। बुंदेलखंड से कम किसका था, बागेलखंड प्लेट्यू का। कौन कौन सी रिवर ट्रेवर्स करती है यहाँ पे, तो बेतवा, केन और सिंध, बेतवा, केन और सिंध रिवर यहाँ पे ट्रेवर्स करती है। टूरिस्ट स्पॉट की बात की जाए तो खजुराहो ये है बुंदेलखंड प्लेट्यू में ही लाई करता है, जैसे कि आपको पता होगा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश इज खजुराहो। यहाँ पे टेंपल्स पाए जाते हैं, और जो खजुराहो टेंपल्स हैं ये किस डायनेस्टी ने बनाए थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, चंडेल डायनेस्टी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, तो चंडेल डायनेस्टी ने खजुराहो टेंपल्स का कंस्ट्रक्शन किया था। यहाँ पे रॉक फॉस्फेट पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है, और कौन कौन से यहाँ पे क्रॉप ग्रोन होते हैं, ज्वार होता है, वीट होता है और लेंटिल होता है। यहाँ पे मिक्स सॉइल पाई जाती है, एंटायर रीजन, एंटायर वेस्टर्न रीजन को, अच्छा ये सॉरी प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के बारे में, तो एंटायर वेस्टर्न रीजन है, रॉक्स ऑफ डेक्कन ट्रैप पाए जाते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ की टोपोग्राफी है वो प्लेन है, अपलैंड्स है यहाँ पे 28%, यानी मैक्सिमम एरिया इसी वाले प्लेट्यू के अंडर में आता है। क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल मॉनसून है, और एवरेज रेनफॉल 120 से लेके 130 सेंटीमीटर है। कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रोन होती है, सोयाबीन, बीट, कॉटन, ग्राउंडनट, ग्रेन्स और सुगर केन। और आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे मालवा को ग्रैनरीज ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है, ग्रैनरीज मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे वीट स्टोर किया जाता है। ये मोस्ट प्रॉस्परस रीजन है, और इसी में ही इंदौर लाया करता है, ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। बुंदेलखंड के बारे में चलते हैं, तो यहाँ पे सॉरी ये दोबारा से वो रिपीट हो गया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है नर्मदा सोन वैली, तो ये ड्रेन होती है नर्मदा और सोन रिवर से, जो कि नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट में लाई करता है। 26% इस एरिया के अंडर में आता है, मतलब सबसे ज्यादा हो गया मालवा, उसके बाद हो गया नर्मदा सोन वैली, ठीक है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट लाई करती है, तो इट इज वेरी इजी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, धार और देवास, ठीक है। टिपिकल मॉनसून टाइप का क्लाइमेट होता है, 125 सेंटीमीटर यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है। कौन सी सबसे ज्यादा सॉइल पाई जाती है, डीप ब्लैक सॉइल पाई जाती है। रीवा पन्ना प्लेट्यू की बात की जाए तो ये दमोह, सतना, रीवा, मतलब रीवा डिवीजन के सारे आप डिस्ट्रिक्ट याद कर लो,
अगर एरिया की बात की जाए तो 10.37% 10.37% इज द एरिया अंडर रीवापन्ना प्लेट्यू। कौन सी क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, और एवरेज रेनफॉल 125 सेंटीमीटर। लेटेराइट सॉयल यहाँ पे पाई जाती है, वीट, ज्वार और ऑयल सीड ग्रोन होती है, और रिवर्स की अगर बात की जाए तो टोन्स, केन एंड सोन। सतपुरा माइकल रेंज, तो सतपुरा माइकल रेंज जो है वो राइजेज इन दी गुजरात रनिंग ईस्ट, मतलब गुजरात में होता है और फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ आता है, ये बॉर्डर बनाता है एक तरीके से महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के बीच में, टिल छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट ये सारी लाई करती है। तापी यहाँ की चीफ रिवर है, 11% एरिया आता है इसके अंडर में। थ्री रेंजेस, राजपिपला रेंज हो गई, सतपुरा रेंज हो गई और माइकल रेंज, वो तीनों की तीनों रेंज सतपुरा माइकल रेंज में ही आती है। 125 से 175 एवरेज रेनफॉल होती है और मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। ज्वार यहाँ का मेन एग्रीकल्चरल क्रॉप है, उसके अलावा वीट, राइस और कॉटन भी पाया जाता है। और ये वाला जो सतपुरा माइकल रेंज है, दैट रीजन इज वेरी रिच इन मिनरल्स। एज फार एज बाघेलखंड इज कंसर्न्ड, सो दीज आर द डिस्ट्रिक्ट व्हिच लाइज इन द बाघेलखंड रीजन। 7% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट लाइज अंडर बाघेलखंड, मतलब 7% जो एरिया है ना वो इसके अंडर में आता है। और ये पता है 7%, ये दिस इज द लीस्ट एरिया, अगर किसी भी ज्योग्राफिक डिवीजन के नीचे अगर सबसे कम एरिया आता है तो वो है बाघेलखंड प्लेट्यू। सोन रिवर यहाँ की चीफ रिवर है, सोन रेड येलो सॉइल होती है यहाँ पे। कौन सी सॉइल? रेड येलो सॉइल। इट इज मेड अप ऑफ गोंडवाना एंड बिंध्यान रॉक ग्रुप। एनर्जी कैपिटल जो है मध्य प्रदेश की, विच इज द एनर्जी कैपिटल बाय द वे? इट इज सिंगरौली, और वो यहीं पे लाई करती है क्योंकि ये रीजन कोल यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है ना, और जैसे कि आपको पता हो थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ दिस प्लेट्यू, कौन सा प्लेट्यू? बाघेलखंड प्लेट्यू के। मानसून टाइप का क्लाइमेट है एंड द एवरेज रेनफॉल की अगर बात की जाए तो दैट इज 125 to 175 सेंटीमीटर्स, ओके 125 से 175 सेंटीमीटर्स। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, और ये यहाँ पे मैंने रेफरेंस इंक्लूड किया है कि ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है या जो भी फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं वो इन बुक्स से इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इनका इनकी जो डिटेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको अच्छी लगती है तो आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ प्रेस दी लाइक बटन अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप मेरे कोई भी लेक्चर को मिस नहीं करना चाहते। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके ईमेल में तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझसे वो कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। प्लस अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच इतने पेशेंस से सुनने के लिए। बाय बाय, सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।